प्ले स्टोर से अगर आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन अपडेट या फिर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसे ठीक कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपको जो मैं सेटिंग बताऊंगा बिल्कुल आपको सेम वैसे ही अपने मोबाइल में सेटिंग करनी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर एक ऊपर प्रोफाइल का आइकन दिया गया है, हमें यहाँ पर सबसे पहले इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर उसके बाद सेटिंग पर एक बार क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक बार सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप सा आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है ये जो ग्रीन टिक है ये आपके कौन से फीचर पर है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो फीचर है वो है यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क। जब ये सेटिंग ओवर एनी नेटवर्क पर रहती है तो ऐसे में अगर आप वाईफाई यूज करते हैं या फिर अपने मोबाइल का डाटा यूज करते हैं दोनों केस में आपके जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवर वाईफाई ओनली पर क्लिक करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होता है उसी दौरान आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर पाते हैं, लेकिन जब आपका डाटा सिम से कनेक्ट होता है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है आस्क मी एवरी टाइम, यहाँ पर आपसे हर बार पूछा जाता है आप किस माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वाईफाई से डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने सिम वाले नेटवर्क से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सेटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर ये सेटिंग करने के बाद आपको प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखना है। हम यहाँ पर इंस्टॉल पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी भी प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है वो पेंडिंग में दिखा रहा है। तो उसके बाद भी अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं और आपको यहाँ पर सेटिंग को एक बार ओपन करना है, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है एप्स। आपको सिंपल यहाँ पर एप्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं। अब आपको यहाँ पर ऊपर सर्च पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर सर्च करने पर यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर प्ले स्टोर की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर स्टोरेज पर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे एक बार क्लियर चेस पर क्लिक करना है और क्लियर चेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब ऐसे में यहाँ पर जो आपका प्ले स्टोर है वो बिल्कुल रेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपने होम पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर प्ले स्टोर को दोबारा ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर इंस्टॉल पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय का टाइम लेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। इस तरह आप बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं हो रहा है।